हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संजीता। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कच्चे आम का पना, आम पना। आम पना बनाने के लिए कच्चे आम चाहिए। मैं यहां पे 2 कच्चे आम ली हूं, आधा चम्मच काली नमक, थोड़े से पुदीने के पत्ते और 1 कप चीनी। आम के छिलके निकल लेने के बाद इसे स्लाइसेस में काट लेंगे और बॉयल होने के लिए थोड़ा सा पानी दे देंगे एक बाउल में। और ये पकने के बाद 10 मिनट लगता है पकने के लिए। पकने के बाद गैस ऑफ कर देंगे। उसके बाद ब्लेंडर के जार में 1 कप चीनी और आधा चम्मच काला नमक और थोड़े से पुदीने के पत्ते, 1 चम्मच सौंफ, और इसे आप भिगो के भी ले सकते हैं, और 1 चम्मच भुना हुआ जीरे के पाउडर इसमें डाल लेंगे। और आपको तो पता है सौंफ और जीरे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए, पेट ठंडा रखता है। और यहाँ ये जो बॉयल हुआ आम जो है ठंडा होने के बाद ब्लेंडर के जार में इसे भी डाल लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो जो मैं बॉयल करके ली हूँ आम को, आप रोस्ट करके भी ले सकते हैं। उसके बाद छिलका निकाल लेंगे, छिलके से, और ब्लेंड कर लेंगे इसी तरह। और ये देखिए स्मूदी तैयार हो गया है। इसमें क्या करना है, अभी ठंडा पानी डाल लेंगे और जैसे शरबत की तरह, और ये पानी पानी ही रहेगा। चलिए इसमें बर्फ डाल के सर्व कर लेंगे ठंडा ठंडा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब में, और फेसबुक पेज में फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।